तो जैसा कि गाड़ी तो कंप्लीट हो चुकी है, आपने देखी गाड़ी कैसी लगी, ठीक है कमेंट बॉक्स में बताना, और इसमें कितना खर्चा है और हमने क्या क्या चीजें डाली हैं ये खुद बताने वाले हैं गाड़ी के ओनर ऋतिक सामंत। मैं पहले से जानता हूँ ऋतिक सामंत नाम है इनका, ठीक है। तो सीधे ऋतिक सामंत जी बताइए आज हमारी ऑडियंस को कि आपने इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन किया है आज हमने दो दिन के अंदर, क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ इसमें हमने दो दिन से मेहनत कर रखी है, ठीक है, और दो दिन हो चुके हैं अभी रिजल्ट सामने है। देखिए पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं मोनू सागर जी को पिछले 4 सालों से जानता हूं और ये पिथौरागढ़ में बहुत ही मशहूर हैं और साथ ही साथ पूरे इंडिया में बहुत मशहूर हैं, बुलेट के बहुत ही खतरनाक मैकेनिक, पर बहुत ही अच्छे मैकेनिक हैं यहाँ के। तो बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। हाँ जी, हमने इस गाड़ी के अंदर सबसे पहले देखिए सबसे पहले तो हमने नए इसमें अलॉय व्हील्स और ट्यूबलेस टायर्स डाले। ये ट्यूबलेस और अलॉय व्हील का खर्चा आप जो कहाँ से ले गए और कितने के पड़े आपके? अच्छा लिए? तो मैं पहले बता दूं कि ये अलॉय व्हील्स अभी सबसे नए हैं, लेटेस्ट हैं फैशन में, तो मैंने ये दिल्ली से ख़रीदे हैं और इनका प्राइस 9,000 से लेके 10,000 तक का है। मतलब ऊपर नीचे चलता है, एवरेज बताना क्योंकि सही नहीं है क्योंकि ऊपर नीचे हर जगह चलता रहता है, ठीक है। और इसके टायर्स मुझे ऐसे ही 4500 के समथिंग के पड़ गए दोनों आगे और पीछे, 4500 के आसपास। और दोस्तों ये दोनों ट्यूबलेस टायर है, अगर आप नॉर्मली कहीं से लेंगे तो आपको पीछे का टायर ट्यूबलेस मिलता है, अगले का नहीं मिलता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम इस गाड़ी के अंदर ही दोनों ट्यूबलेस टायर लगाए। और एक साइलेंसर, हाँ जी हमने देखिए नया एक ये डॉल्फिन साइलेंसर होता है, मैं आपको एक साउंड सुना देता हूँ, बहुत बढ़िया साउंड लगता है मेरे को। एक छोटा सा क्लिप है, आप इसको देखिए इस इंजन के साउंड पहले कैसी थी, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ ये रही अब। तो सबसे पहले मैं आपको गाड़ी को स्टार्ट करके दिखाता हूँ और स्टार्ट करके आप इंजन का जो नॉइस है एक बार उसको समझिए कि कितना नॉइस है और इसको ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता है और इसका क्या तरीका है वो मैं आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले आवाज सुन लेते हैं। मतलब आवाज सुन के तो दिल खुश हो जाएगा और मन करता है कि आज मैं क्या करूं, कमल डाल दूं, है ना। पर तो जैसा कि आपने साउंड देखा, ठीक है, और अभी इसका साउंड देखिए, तो आपको फर्क दिख सकता है कि पहले कितना साउंड था, कितना तेज नॉइज था। तो इसके लिए मैंने हाइड्रोलिक बदले, हाइड्रोलिक आपको नहीं पता कि कैसे देखे जाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, वहाँ चेक करिए, वहाँ आपको उसका नॉइज कैसे रिड्यूस की जाती है वीडियो मिल जाएगी। आगे बात करते हैं। और हमने इसमें हैंडल बार चेंज किया, हमने इसमें स्ट्रेट हैंडल बार लगाया है जिसकी लेंथ जो आपका ओरिजिनल हैंडल होती है उससे ज़्यादा बड़ी नहीं है, थोड़ी सी बड़ी है। मतलब जो ओरिजिनल हैंडल माने तो इतना होता है, ठीक है, पर इसका साइज जो है इतना है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। और हमने इसमें नए GT मिरर्स बोलते हैं इनको, ये लगाए हैं, इसके बारे में आप ये मैं आपको जरा नज़दीक से दिखाता रहता हूँ, बात करते रहते हैं। तो हम बात कर रहे थे GT मिरर की, तो ये रहे इसके मिरर, ये GT मिरर्स अभी ये भी लेटेस्ट हैं आपके फैशन में। okay. और आप इनको या तो फैशन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर आप इनका रियर व्यू मिरर जो ये होता है मतलब उसका यूज कर सकते हैं। ओके, मेरे को बहुत बढ़िया और कमाल का इसका ये ऊपर लगा, टैंक के ऊपर जो गार्ड लगा रखा है। हाँ जी, तो ये बारे में कुछ बताइए। ये रॉयल इनफील्ड का ही है आपका। ओके, और ये जो लेदर का आप, ये आपने कहाँ से मंगाया? ये मैंने दिल्ली से मंगाया है। ऑनलाइन या ऑनलाइन? वो एक शॉप है, एक शॉप है। ओके, आपको लक्ष्मी ऑटो केयर, लक्ष्मी ऑटो केयर, ये मेरे नाई वाला में नहीं, ये करोल बाग में है। हाँ, करोल बाग नाई वाला में लक्ष्मी ऑटोमोबाइल, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप चेक कर सकते हैं, आप इसको वहाँ से खरीद सकते हैं। ओके, और ये सीट, वाओ यार सीट में तो मजा आ गया। मतलब ये इसके अंदर जो मेन जान डालने वाली है ना गाड़ी के अंदर, ये सीट देखिए कितना गजब लगती है। तो इस सीट के बारे में कुछ बताइए, कहाँ से? ये सीट भी खजांची ब्रांड की है। हाँ। और हमने इसको दिल्ली से मंगाया है इसको भी। ये अप्रोक्स बता दीजिए क्योंकि बिल्कुल फिक्स बताना ठीक नहीं है। अप्रोक्स 1500 से लेके 2000 तक आप इसको खरीद सकते हैं। ओके, 1500 1500 से 2000 रुपए के बीच में आपको मिल जाएगी। और ये साइलेंसर, ये साइलेंसर आपका डॉल्फिन साइलेंसर है जी। इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती हैं जो आप मुझसे बेहतर जानते हैं।
जी। बट जो ये है इसका प्राइस है आपका 2500 के समथिंग, यानी कि 2500 के, 2500 रुपए हिंदी में, ठीक है। और हमने इसमें आगे जाते हैं, हम आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमने इसमें लगा रखे नीचे लाइट है, फॉग लाइट्स लगाई हैं हमने। हाँ जी, ये कितने की? ये फॉग लाइट आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगी और आप किसी जाके शॉप पे भी खरीद सकते हैं। और ये लेगार्ड, वाओ यार लेगार्ड में मतलब मैं फिट कर रहा, मेरे को खुद बहुत पसंद आया, मैं सोचा इसका एक गिवअवे रखूंगा बहुत जल्दी। तो ये लेगार्ड भी पहले से मैंने रोप वाला ही लिया है जी। कितने का पड़ा ये? मुझको पड़ा है 1500 का, 1500 रुपए के आसपास, कोई बात नहीं। ओके, और ये लाइट? और ये जो फॉग लाइट्स हैं इनका, ये 1200 का एक पीस है, यानी कि 2400 का सेट। ओके, मेरे ख्याल से ये थोड़ा ज़्यादा महंगी ले ली है आपने। अच्छा, हेडलाइट की बात करें, हेडलाइट ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, मैंने तो 3800 की परचेज करी है ऑनलाइन। यू कैन बाय इट फ्रॉम अमेजन। हाँ, मेरे ख्याल से अगर आपको खरीदनी है तो नीचे एक लिंक मिल जाएगा, या फिर अगर आपको सस्ते में खरीदना है तो करोल बाग, दिल्ली से बिलोंग करते हैं तो आप करोल बाग जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा बहुत ही ईजी और आराम से। एक बार हम हेडलाइट दिखाते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें मैंने किस टाइप से सिस्टम सेट कर रखा है और कैसे फंक्शन काम करते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो नीचे जो येलो लाइट है, ये लाइट फॉग लाइट्स, फॉग लाइट्स बोल सकते हैं, मेरी नज़र में ये काम चलाओ लाइट है, क्योंकि ये कारगर नहीं है, साफ बता रहा हूँ मैं। बाद में कहेंगे मोहन भाई तुमने बताया नहीं, ख़राब हो गई, ये पानी चले जाता तो ख़राब भी हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका मैंने यहाँ पर एक छोटा सा स्विच दे रखा है जो आपको नॉर्मली मिल जाएगा, और जैसे हम इसको ऑन करेंगे और देखिए लाइट, मतलब लाइट के मामले में बहुत गजब है, मज़ा आ जाता है। उसके बगल में यहाँ पर एक छोटा सा बटन दे रखा है, जैसे हम पार्किंग लाइट जलाइए, देखिए येलो जल रहा है, हम चाहते हैं ये वाइट जले, वाइट जलने के लिए यहाँ पे एक बटन दे रखा है और कुछ टाइम के बाद यहाँ पे वाइट देखिए ऑटोमेटिक। ये एक ऐसा एंटिक चीज़ है जो आपको हर कहीं नहीं मिलेगा। आप चाहो तो मैं इसका डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहाँ पे मैंने लिख रखा है कि मैंने इसमें क्या क्या कैसे चेंज किए हैं, तो मेक श्योर आपको वहाँ पे भी चेक करेंगे तो वहाँ पता चल जाएगा, ठीक है। अभी मैं नीचे की लाइटें बंद कर दी, ये सिर्फ DRL जल रहा है। अब मैं चाहता हूँ इसको येलो कर दूँ, देखिए वाह यार, मतलब ना इंडिकेटर जलाने की जरूरत ना किसी की, सीधे DRL यहीं से जलेगा, ठीक है। अब एक बार इसकी हेडलाइट दिखाइए, ये हेडलाइट है, मतलब रोशनी में आपको दिखाऊँ तो गजब की है और पूरा काम बन जाएगा आपका। इसको येलो को बंद कर देते हैं, सिर्फ वाइट जलेगा, कुछ टाइम लगेगा, 2-3 सेकेंड लगते हैं, और डिपर आपको शायद ऐसे मतलब कैमरे में नहीं दिखेगा और बाहर महसूस हो जाता है, बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब आगे बात कर लेते हैं, चलिए। तो मेक श्योर आपको वीडियो पसंद आया होगा, और कोई भी मॉडिफिकेशन के बारे में कुछ भी जानना है तो मतलब कमेंट कर सकते हैं, अपना राय जरूर बताइए कि आपको क्या मॉडिफिकेशन इस गाड़ी के अंदर अच्छा लगा। भाई बताइए कुछ। मोनू भाई यार मैं तो बहुत खुश हूँ आपके काम से, थैंक यू। थोड़ा सा इसमें थोड़ा ज़्यादा पैसा लगा मेरा, बट अच्छा ओवरऑल काम कितना खर्चा आया आपका? कम से कम इसमें मैंने अभी तक तो फिलहाल 30,000 रुपये लगा दिए हैं। 30,000 रुपये मतलब हमने इस मॉडिफिकेशन में खर्च करे, जिसमें हमारा ट्यूबलेस टायर पड़ा, सीट पड़ी, हैंडल पड़ा, GT मिनर पड़े, और लाइट, हेडलाइट, मतलब फॉग लाइट, ओवरऑल इतना मॉडिफिकेशन आपका कुल 30,000 प्लस जो आपका अंदर इंजन में कुछ हाइड्रोलिक, जो हाइड्रोलिक था, और सर्विस, ब्रेक शू, मतलब मेरे को लगता है कि हम काफ़ी सस्ते में रहे, काफ़ी मतलब कन्वीनियंट था, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं हुआ, और मेरी गाड़ी बिल्कुल एकदम नई बन चुकी है। ये क्लासिक 350 का पुराना मॉडल है, 2013 में मैंने लिया था, और अभी तक फ़िलहाल अच्छा चल रहा है ये, और अब मेरी गाड़ी एकदम नई हो चुकी है, तो मैं बहुत खुश हूँ। मोनू भाई ने बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर आप कभी पिथौरागढ़ आते हैं तो प्लीज़, अगर आप एक बुलेट लवर हैं तो पक्का मोनू भाई के पास आइए। अच्छा, और अपनी गाड़ी और का काम के बारे में कुछ बताइए आज, लाइक और शेयर के बारे में बात कर लेते हैं। अच्छा, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मतलब नीचे काला वाला बटन है उसको नीला करके दिखाओ, जो मोनू भाई के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मोनू भाई को बहुत ही एक फेमस यूट्यूबर बनाना है, फेमस के साथ साथ एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनाना है, क्योंकि अपना काम बोलता है, जिसका काम बोलता है, बताइए काम बोला या नहीं बोला। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।